हाई माई गर्लीज वेलकम बैक टू माई चैनल फैशन बसी तो और आज की वीडियो होने वाली है वेडिंग एसेंशल्स के बारे में सो इफ़ यू आर अ ब्राइड्स मेड और

तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लचेज़ एंड पोटली बैग्स के साथ तो आप यूजुअली क्लचेज एंड पोटली बैग्स जो भी लेके तो उसको गोल्डन कलर में लीजिए या फिर बेज शेड्स में लीजिए या रोज गोल्ड कलर में लीजिए या पर्ल्स में लीजिए तो ये सब बहुत वर्सेटाइल रहता है क्योंकि ये न्यूट्रल शेड्स होते हैं एंड ये सब आउटफिट्स के साथ आराम से चले जाते हैं गोल्ड एक बहुत ही अच्छा इसेंशियल लुक आपको प्रोवाइड कर सकता है अगर आप कुछ सिल्वर आउटफिट्स पहन रहे हैं तो आप उसके साथ बेज अप कर सकते हैं तो ऑल इन ऑल ये आपको एक कंप्लीट लुक दे देता है तो आप एक ही पोटली बैग को मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हैं नेक्स्ट हम आते हैं लहंगा स्कर्ट्स पे लहंगा स्कर्ट्स को मल्टीपल वे में स्टाइल किया जा सकता है तो अगर आपके पास कोई पुराना लहंगा पड़ा हुआ है तो आप उसकी स्कर्ट ले लीजिए और उसको मल्टीपल वेज़ में स्टाइल कर सकते हैं आप उसके लिए नया क्रॉप टॉप बनवा सकते हैं या फिर आप उसको शर्ट के साथ पैर अप कर सकते हैं या डिफरेंट कलर की कोई शॉर्ट कुर्ती बनवा सकते हैं तो ये कंप्लीटली आपको एक डिफरेंट लुक प्रोवाइड करता है और आप अपने लहंगा स्कर्ट को मल्टीपल वेज़ में स्टाइल कर पाते हैं नेक्स्ट हम आते हैं अनारकलीज पे तो अगर आपके पास कोई अनारकली कुर्ता है तो आप उसको डिफरेंट प्लाजोज़ या सेम कलर के मोनोक्रोमेटिक लुक्स भी बना सकते हैं अगर आपके पास उसके साथ दुपट्टा है तो आप उसको पैरअप करके कोई डिफरेंट कलर का प्लाजो पहन सकते हैं या अगर आपको मोनोक्रोमेटिक लुक्स पसंद है, तो आप सेम कुर्ता एंड प्लाजो पहन सकते हैं विद डिफ़रेंट दुपट्टा या फिर आप फ्लोर लेंथ अनारकलीज़ ले सकते हैं और उसको एक डिफरेंट दुपट्टे के साथ पैरअप कर सकते हैं तो इन एंड ऑल आप एक ही चीज़ को काफ़ी तरह से स्टाइल अप कर सकते हैं आप उसका बॉटम एंड टॉप चेंज कर सकते हैं या फिर दुपट्टा हैवी ले सकते हैं तो इससे भी आपके आउटफिट्स में कम्प्लीटली चेंज हो जाता है अनारकली बहुत ही वर्सेटाइल पीस है एंड आप इसको मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकते हैं ये ईजी टू कैरी होता है और आपको वेडिंग सर्वाइव करने में सही में बहुत हेल्प करता है नेक्स्ट आप इस साड़ीज़ साड़ीज़ बहुत ही वर्सेटाइल पीस होता है आप इसको मल्टीपल फंक्शंस में आराम से पहन सकते हैं आजकल कल साड़ीज़ बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड है या फिर अगर आपको बनारसी फैब्रिक पसंद है तो आप वो भी पहन सकते हैं या फिर आप सैटन साड़ीज़ पहन सकते हैं दे लुक एक्सट्रीमली स्टाइलिश येट वेरी एलिगेंट आप मल्टीपल ब्लाउजेज़ के साथ इनको पैरअप कर सकते हैं हैवी ब्लाउजेज़ बनवा सकते हैं या अगर आपकी साड़ी हैवी है तो आप लाइट दो तीन ब्लाउज खरीद लीजिए और फिर आप मल्टीपल साड़ीस पर उनको वेयर कर सकते हैं आप देख लीजिए आपके पास कौन सी मेजर साड़ीज़ हैं अगर आपके पास रेड्स ब्लूज पिंक्स ज़्यादा हैं तो आप इन्हीं कलर्स में अपने ब्लाउजेज़ बनवा लीजिए तो जिससे आपके पास बार बार नया ब्लाउज़ बनवाने की आपको प्रॉब्लम ना पड़े और आप एक ही ब्लाउज़ को मल्टीपल टाइम्स एक ओकेजन पे पहन सकें अब बात करते हैं फुटवेयर के बारे में आपको ये भी बहुत ध्यान रखना है कि आपका फ़ुटवेयर कंफर्टेबल होना चाहिए क्योंकि शादियों में बहुत काम करना पड़ता है बहुत चलना पड़ता है डांस करना पड़ता है तो इन सब चीज़ों में आपके फुटवेयर को आपकी हेल्प करने की बहुत ज़रूरत है तो आई वुड प्रिफर कि आप ब्लैक्स एंड बेजेज़ में इन्वेस्ट करें क्योंकि ये दो कलर्स मैक्सिमम आउटफिट्स पे फिट हो जाते हैं और एक चीज़ और कि जो आप हील्स ले रहे हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखिए या तो आप ब्लॉक हील खरीदिए या फिर आप वेजेस ख़रीदिए क्योंकि ये दोनों सबसे कंफर्टेबल हील्स होती हैं ब्लॉक हील्स में आप डांस भी कर सकते हैं चल भी सकते हैं वेजेस और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती हैं इवन फॉर ब्राइड्स आई वुड रियली से आप वेजेस पहनी है क्योंकि बहुत ही ईजी होता है उसमें वॉक करना यू कैन गो फॉर हाई हील्स ऑल्सो बट दीज टू आर द बेस्ट आप अगर चाहें तो गोल्ड हील्स में और सिल्वर हील्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर आउटफिट्स वॉट एवर योर वेयरिंग और अगर आप कुछ और ग्लैमर अपने आउटफिट में डालना चाह रहे हैं तो आपका फुटवेयर बहुत गोल्डन एंड सिल्वर हो सकता है बट यही चार कलर्स हैं जो सब आउटफिट्स के साथ आराम से चले जाते हैं तो आपको बहुत सारी हील्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है नेक्स्ट कमिंग अप टू ज्वेलरी सेट्स या फिर ईयर रिंग्स या फिर मांग टीका इस चीज़ को ज़्यादातर आप गोल्ड या सिल्वर कलर में ही ख़रीदिए क्योंकि ये दोनों कलर्स यूनिवर्सल होते हैं सब आउटफिट्स के ऊपर चले जाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं आप फंक्शन के हिसाब से अपने आप को स्टाइल कर सकते हैं फॉर वेडिंग आप ज्वेलरी सेट पूरा पहन सकते हैं और मेहंदी या फिर संगीत फंक्शंस के लिए आप सिर्फ या तो ईयर रिंग्स या, रिंग या मांगटी का पहन सकते हैं अपने हिसाब से आप अपने आप को स्टाइल कर सकते हैं और अपने आउटफिट को देख के जिस तरह का आपको पसंद हो ये कुछ ज्वेलरी सेट्स हैं जो मैंने मिंत्रा और फ्लिपकार्ट से चूज़ किए हैं मैं आपको इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड कर दूँगी तो आप वहाँ से अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं कमिंग अप नेक्स्ट इज गजराज गजराज लुक एप्सल्यूटली वेरी ब्यूटिफुल इफ़ यू वॉन्ट यू कैन वेयर रियल फ्लावर्स ऑल्सो बट गजराज

तो ये थी मेरी तरफ से कुछ टिप्स एंड सब एसेंशियल्स दैट यू रिक्वायर दिस वेडिंग सीजन आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम विद येट अनदर वीडियो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग